अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रुकरुक ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिश टीवी आईडी। तो आज मैं आपके लिए जो है वो 92 डिग्री जो है यमल जो है वो लगाई है और मैंने उसकी स्कैनिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि अब इस पर कौन कौन से चैनल चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये स्कैनिंग पर है तो तकरीबन इसकी 2 टीपीज जो हैं वो स्कैन हो गई हैं। तो देखते हैं कि अब इस पर कौन कौन से चैनल वर्किंग के अंदर हैं। तो तकरीबन अब इस पे 5 टीपियाँ जो है वो स्कैन हो गई हैं और 32 चैनल अभी तक आ गए हैं, जो 41 चैनल हो गए हैं, टीपियाँ 6 हो गई हैं। तो ये वन सेटेलाइट है, इसके ऊपर अब DTH भी जो है वो लॉन्च हुआ हुआ है। तो फिलहाल तो वो मेरे ख्याल में फ्री नहीं है, पेड है। तो उसके चैनल अब देखते हैं DTH के स्कैन होते हैं या नहीं होते। खबर तो आई हुई है कि अगवान DTH लॉन्च हो गया है, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई सेटअप दिखता नज़र नहीं आता। तो अब देखते हैं कि ये क्या कहां पर खड़ा हो जाता है जी। तो मैं आपको इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी भी जो है वो दिखा दूंगा कि आपने इसको कहाँ पर रख के सेट करना है अपने डिश पे। इसकी जो जेन्युइन टीपी है ना, 11900 ओरिजेंटल 27500, और जो इसकी दूसरी टीपी है वो है 11881 एच आगे 27500। ये इसकी 2 टीपियाँ हैं, आपने याद रखनी है जी। तो इंशाल्लाह आप इसकी सेटिंग जो है वो बेटर से बेटर कर पाएंगे। तो ये 2 फुट का डिश है, तो 2 फुट के डिश पर मेरे ख्याल में अभी वो है जो इसकी सेटिंग है वो सही से नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इस पर चैनल जो है वो कम आए हैं। तो मज़ीद इसकी जो है वो सेटिंग मेरे ख्याल में करने वाली, 71 चैनल हो गए अभी तक 86। ये तकरीबन 200-250 के लगभग जो है सेटेलाइट जो है वो चैनल ट्यून करती है। अगर ये सारी सही लगी हुई है तो फिर 130 पर 126 मेरे ख्याल में अभी कुछ थोड़ा बहुत इसमें बदलाव चल रहा है। अब देखते हैं कि कहां पर ये खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये वो वायद सेटेलाइट है जिसके ऊपर हमें जो है वो फुटबॉल के चैनल्स मिल जाते हैं, कार्टून का चैनल मिल जाता है, ठीक है, अरेबिक के चैनल हमें मिल जाते हैं। तो ये इस टाइम का बेहतरीन तरीन सेटेलाइट है। तो 52 डिग्री, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ना वो चीज़ें लाता रहूं जिससे आप जो है अपना दिल जो है बुला सकें, ठीक है। और ये स्पोर्ट्स चैनल है जो इस बार तुर्की का और ये सारा कप, ये फुटबॉल का मुकम्मल टूर्नामेंट दिखाने वाला है। दोस्तों इसके बारे में जो है मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर देता हूँ। ये 2 चैनल जो हैं ये फुटबॉल के रिलेटेड HD चैनल्स हैं, तो ये पूरा इस बार वो फुटबॉल जो है मैच दिखाने वाले हैं। तो 2023 के अंदर जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है यानी कि वर्ल्ड कप लगने वाला है, और यही वो चैनल्स हैं जो मुकम्मल जो है वो ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये खाना काबा वाला स्टेशन है जी, इसकी टीपी जो है वो अभी यहाँ से देख लेते हैं, 11747 27500, ठीक है। दोस्तों इस चैनल को लगाने के लिए सेटेलाइट, अगर ये सेटेलाइट सही नहीं लगे आपके, ये सेटेलाइट सही नहीं लगेगा तो ये चैनल जो है ये खाना काबा लाइव दिखा रहे होते हैं। दोस्तों ये देखिए खाना काबा लाइव चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। मुस्लिम सेटेलाइट, मुस्लिम लोगों के लिए ये बड़ी बेहतरीन बात है कि अगर वो सेटेलाइट को लगाते हैं, अगवान सेटेलाइट को, तो ये उनको देखने को मिल जाता है। कुरान पाक पूरा जो है इस पर जो है सुबह सुनाया जाता है और बकायदा उसकी ट्रांसलेशन की जाती है। तो ये वो हाँ जी DTH के चैनल जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, अगवान DTH, तो ये वो अगवान DTH के चैनल हैं बीच में। तो एक अच्छी बात है, ये देखें, ये मेरे ख्याल में ईरान का ये चैनल है, तो ये दिखा रहे हैं जी आप। तो
इसमें मुख्तलिफ किस्म की फीड्स चलती रहती हैं, चैनल जो हैं इसमें एड्स होते रहते हैं। तो जैसे जैसे इसमें कोई चलेगा सिस्टम होगा तो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि पहले चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, ठीक है, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बेटर से बेटर सेटेलाइट जो है वो ढूँढ कर लाते हैं। तो दोस्तों यही मेरे ख्याल में आपके चैनल हैं, इसके अलावा आप सेटेलाइट पर ये दूसरे सारे चैनल हैं रशिया के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं रशिया का सेटेलाइट लगा के तो उसके ऊपर मैं आपको चैनल दिखाऊं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश है कि ये वीडियो मेरा ट्रेंडिंग में जाए और खुशी खुशी मैं वो सेटेलाइट लगाऊँ कि यार मेरे दोस्तों ने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँ। तो मेरे जनाब आपका और हमारा आला अमीन नासर, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी सेटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आप अल्लाह आपका और मेरा अमीन नासर।